नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। अपना दल सोनेलाल की प्रमुख और पीएम मोदी सरकार में मंत्री मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर टोल प्लाजा हटाने का आग्रह किया है। इसी के साथ अनुप्रिया पटेल ने इस पत्र से 11 नवम्बर 2023 को लिखे पत्र की उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को याद दिलाई। सीएम को लिखे पत्र में वाराणसी सोनभद्र हाईवे पर 22 किलोमीटर के अंतर पर 2 टोल प्लाजा होने के कारण एक टोल हटाने की मांग की गई। अनुप्रिया पटेल द्वारा लिखे गए पत्र में बताया गया है कि अरोरा वनस्थली महाविद्यालय के पास एक अस्थायी टोल है। वहां के लोगों का कहना है कि वाराणसी शक्ति नगर मार्ग को 4 लेन को बनाने के समय इस अस्थायी टोल प्लाजा का भी जिक्र नहीं किया गया है। इसके साथ ही इस अस्थायी टोल का फास्टैग के जरिए टोल नहीं लिया जाता है। इससे शक होता है कि यह आम जनता से यातायात करने के समय वसूली की जा रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस टोल प्लाजा की जांच कराकर इसे हटाने का आदेश दिया जाए। अनुप्रिया पटेल द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में उन्होंने आरक्षण के नाम पर मिलने वाली नियुक्तियों के खिलाफ सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में ओबीसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यह कहकर नौकरी नहीं दी जा रही कि वे योग्य हैं। अब जिस प्रकार से लगातार अनुप्रिया पटेल सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल दाग रही हैं, उन्हें बार बार पत्र लिख रही हैं और पत्र में लगातार वो आरक्षण की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल 2 सीटों पर यहां पर मैदान में उतरी थी, रॉबर्ट्सगंज सीट से और मिर्जापुर से। अनुप्रिया पटेल को जीत का सामना करना पड़ा, लेकिन जीत हुई भी तो ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा मुश्किलों की बात हुई। लेकिन रॉबर्ट्सगंज की अगर बात की जाए तो जीत नहीं हुई है और यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल को ये दर्द सता रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी से अगर वो उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है शायद उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लगातार वो पत्र लिख रही हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर निर्णय लेती हुई भी दिखाई दे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।